हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा जींस स्वेटर डिजाइन लाए हैं। ये पैटर्न हमारा 4 फंदों में बनता है, तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डाल लीजिए। कोई भी बॉर्डर पैटर्न बनाने के बाद आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन हमारी सीधी साइड से बनती है। इसमें हमने देखिए टोटल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 फंदे में आपको पैटर्न बताया है। 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं एज स्टिक के लिए, और 4+4 करके फंदे आपको लेने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए डिज़ाइन की फर्स्ट रो देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला फंदा एज स्टिक हम इस तरह से उतार लेंगे। आप अगर उतारते हैं तो उतारिए, नहीं तो आप बना लीजिए। एक फंदा ये वाला हमें इस तरह से उतारना है। फिर ध्यान से देखिए, ये एक फंदा हमने एज स्टिक उतारा, एक फंदा और उतारा है। ये हमारा पैटर्न वाला फंदा है। इस फंदे से हमें, ध्यान से देखिए, इस फंदे से हमें क्या करना है, एक फंदा बनाया, एक बार इस तरह से लपेटना है, फिर एक फंदा बनाएंगे। 3 फंदे टोटल बनाने हैं। एक फंदे से हमने 3 फंदे बना लिए। ये देखिए, 1, 2, 3 फंदे बनाए। 2 फंदे हमें सीधे बनाने, 1, 2। 2 फंदे सीधे बना लिए। 1 फंदे हमें फिर से उतारने हैं। 1 फंदा उतारा, फिर 1 फंदे से 3 फंदा बनाएंगे। एक बार फंदा बनाएंगे, एक बार लपेटना है, फिर फंदा बनाएंगे। 3 फंदा बनाया, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 1 फंदा उतारेंगे, 1 फंदे से 3 फंदा बनाएंगे, 1 फंदा बनाएंगे, एक बार लपेटना है, फिर 1 फंदा बनाना है, फिर 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उतारा, फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है हमें। एक बार फंदा बनाया, एक बार लपेटेंगे, 1 फंदा और, 2 फंदे सीधे, फिर 1 फंदा उतारना है। 1 फंदा बनाया, एक बार लपेटा, फिर फंदा बनाया, 3 फंदे हो गए, 2 फंदे सीधे। ये हमारा जो हमने एज स्टिक फंदा रखा है, इसको भी इस तरह से सीधे बना लें। पीछे से ध्यान से देखिए क्या करना है। सेकेंड रो में पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे, 2 फंदा बनाएंगे। ये जो हमने 1 फंदे से 3 फंदा बनाया, इसको हमें इस तरह से लेफ्ट नीडल में उतार लेना है। फिर जो फंदा आगे से उतारा था उसको भी बना लेंगे, और 2 फंदे जो हमने सीधे बनाए हैं उसको उल्टा बना लेंगे। फिर 3 फंदे को इस तरह से उतार लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, पीछे से 3 फंदे उल्टे, और जो 1 फंदे से 3 फंदे बनाए हैं उसको उतारते जाना। इसी तरीके से पूरा पैटर्न बनाना है। ये देखिए, सेकेंड रो भी बन गई। देखिए थर्ड रो डिजाइन की, 1 फंदा उतारा, ये फंदा भी हमें उतारना है। अब इस 3 फंदे को हमें इन 2 फंदों के इस साइड लाना है। ये 2 फंदे हमें आगे लाने हैं, ये 3 फंदे इधर लाने हैं। इस तरह से इन 3 फंदों को इस लेफ्ट नीडल में करेंगे, फिर इन 2 फंदों को इसके आगे करना है। 2 फंदे बनाए, फिर इन 3 फंदों को हमें 1 फंदा बनाना है। 3 फंदों का हमने 1 फंदा बनाया, फिर 1 फंदा हमें उतारना है। 1 फंदा उतारा, इन 3 फंदों को पीछे ले जाना है 2 फंदों के। ये 2 फंदा हमने इस पे किया, ये 3 फंदा हमने लेफ्ट नीडल में किया। इस तरीके से
उसके बाद इन दो फंदों को आगे करना, दो फंदे सीधे, फिर इन तीन फंदों को लेके एक फंदा सीधा बना। ये देखिए हमारा दूसरा पैटर्न बन गया। फिर एक फंदा उतारना है, इन तीन फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे, दो फंदे आगे लाएंगे, फिर इन तीन फंदों को इस तरह से पीछे लाके एक फंदा बना। आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर आप इस तरीके से इन दो फंदों को आगे लाइए, इनको इन तीन फंदों को पीछे ले जाना। इन तीन फंदों को इस पे करेंगे, फिर इसको ऊपर लाके दो फंदे सीधे, फिर इन तीन फंदों को एक फंदा बनाना इस तरीके से। इसका एक कर देंगे, एक फंदा उतारेंगे, दो फंदा इस पे लेंगे, फिर इन तीन फंदों को इस तरह से इस पे चढ़ाना है बैक सेकेंड नीडल में, फिर दो सीधे, फिर इन तीन को एक करके सीधा फंदा बनाना। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कुछ इस तरह से बनता जाएगा, एक पैटर्न बन गया। पीछे से सारे फंदे उल्टे बनाने, चौथी सिलाई में पीछे से सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाने। ये चार सिलाई की डिजाइन है। आप इसे बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं। अगर आप इसे लाइट कलर में बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए चार सिलाइयों की डिजाइन है। ये चार सिलाई हमारी बन के कम्प्लीट हो गई। पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से बनता जाएगा। तो देखिए फर्स्ट रो हमें रिपीट करना है, तो रिपीट रो देखिए, एक फंदा उतारा, इस फंदे को भी हमें उतारना है, फिर इस फंदे से हमें फिर से वही रिपीट करना है। तीन फंदे बनाने हैं, एक फंदा बनाएंगे, एक बार इस तरह से लपेटेंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा बनाया, एक बार लपेटा, एक फंदे से तीन फंदा बनाया, दो सीधे फंदे, एक फंदा उतारना है, फिर एक फंदा से तीन फंदे बनाने हैं, दो सीधे, फिर एक उतारेंगे, एक फंदे से तीन फंदा बनाएंगे, दो सीधे, फिर एक फंदा उतारेंगे इस तरीके से, एक से तीन फंदा। ये देखिए फर्स्ट रो रिपीट हो गई। सेकंड रिपीट रो देखिए ध्यान से, एक फंदा उतारेंगे, जो हमने तीन फंदे एक फंदे से बनाए उनको नहीं बनाना है, उसको इस तरह से सिलाई में उतार लेना है, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर उसे उतार लेना है, जो एक से हमने तीन फंदे बनाए हैं उसे पीछे से नहीं बनाना है, ये देखिए सेकेंड रो जो रिपीट रो थी हमारी वो भी रिपीट हो गई। अब थर्ड रो को रिपीट करना है, एक फंदा उतारा, फिर इस फंदे को उतारना है, इस
ये तीन फंदों में से ये दो फंदे हमें आगे लाने हैं। इस तरीके से पीछे से इन दो फंदों में हम सिलाई डालेंगे, फिर इन तीन को इस पे चढ़ा के इन दो को आगे करेंगे। दोनों फंदे सीधे बनाएंगे, फिर इन तीन फंदों को हमें एक करना है। इस तरीके से सीधे एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा इस तरह से सीधा उतारना है। ये फंदा उतारना है हमें, आगे से पीछे से बनाना। फिर ये उतार लिया, तीन फंदों को इधर पीछे लाएंगे इसके, फिर दो फंदे सीधे, फिर इस वाले फंदे को तीनों को लेते हुए सीधा फंदा बना, फिर एक फंदा उतारेंगे, दो फंदे को इस पे लेंगे, इसे पीछे लाना है, फिर ये सारे फंदे सीधे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, इसको भी तीनों को एक करते हुए सीधे बनाना, फिर एक फंदा उतारना है, इन दो को इस पे करेंगे, फिर इसको पीछे ले जाएंगे, फिर इतने आगे लाके दो सीधे, फिर इन तीन का एक करना, फिर एक फंदा उतारना है, इन दो को इस तरह से सिलाई करेंगे, ये फंदा पीछे ले जाएंगे, बस यही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना है। ये देखिए, यही चार सिलाइयों को हमें रिपीट करते जाना है, पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से बन के आता जाएगा। चौथी सिलाई जो रिपीट हो गई, उसमें पीछे से हमें सारे फंदे उल्टे करने। चार सिलाइयों का पैटर्न है, यही हमें बार बार रिपीट करना है। ये देखिए, ये बन के पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे बनते जाएगा। ये देखिए, ये आप इसे लाइट कलर में भी डाल सकते हैं, डार्क कलर में भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, डार्क कलर में भी अच्छा लगेगा और लाइट कलर में भी आप बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थैंक यू।